तो यार बार्सिलोना जीत गई है कोपा डेल रे के राउंड ऑफ 32 में कॉर्नेला से, और ये भी गेम एक्स्ट्रा टाइम में गया था। और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है बार्सिलोना की कि तीन कंसेक्यूटिव गेम्स हम 90 प्लस मिनट्स में हम एक्स्ट्रा टाइम में खेलें, और यार गेम बहुत टाइट था। तो यार देखते हैं कि पूरे गेम से बार्सिलोना ने क्या क्या मिस्टेक्स की और फिर कैसे कुछ कुछ एरर्स को अपने रेक्टिफाई किया और आखिरी में जीत कैसे गए, क्या क्या कारण थे इसके। तो यार सबसे पहले बार्सिलोना की फॉर्मेशन की बात करते हैं। यार बार्सिलोना ने इस फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया था, करीब करीब जो फॉर्मेशन मैंने प्रिडिक्ट किया था करीब करीब वही फॉर्मेशन था, बस एक दो चेंजेस से। लॉन्गले अभी भी खेल रहा था, मैंने प्रिडिक्ट किया था उमटीटी खेलेगा, बट लॉन्गले ने कल ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, 7-8 बार बॉल लूज की उसने, बट वो एक्सपेक्टेड है उससे, उससे ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। यार फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी, फर्स्ट हाफ में सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि कॉर्नेला का डिफेंसिव स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बोला था वो एक डिफेंसिव साइड है, पर उनका यार डिफेंसिव स्ट्रक्चर देखो तुम, इन सब पिक्स में देख लो यार उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वो लोग हमारे सारे पासिंग लेन्स क्लोज कर दे रहे थे, जब जरूरत पड़ रही थी जब हमें बिल्डअप प्ले स्टार्ट करना था तब वो लोग मैन मार्किंग कर रहे थे। मैन मार्किंग मतलब क्या, हमारे हर एक प्लेयर के पीछे वो लोग एक एक अपना बंदा लगा दिए थे। उसके बाद क्या कर रहे थे, आगे जाके वो लोग ये कर रहे थे कि जोनल मार्किंग कर रहे थे। अब जोनल मार्किंग मतलब क्या, कि यार जितने भी हमारे पासिंग लेन्स हैं, जितने भी हमारे पास करने के एरियाज हैं, उन सब एरियाज को, उन सब पाथवेज को लोग ब्लॉक कर दिए थे। देखो मतलब यहाँ रिकी पूछ खड़ा है, उसके सामने इतने लोग खड़े हैं बार्सिलोना के, बट वो पास कैसे दे किसी को, वो किसी को पास दे ही नहीं पा रहे हैं। जब हम थ्रो इन करने जा रहे हैं तब भी वो लोग जोनल मार्किंग, मैन मार्किंग, इन सब का उपयोग कर रहे हैं। अब इस सब के कारण बार्सिलोना मोमेंटम में आ नहीं पा रही थी, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल मोमेंटम में नहीं आ पा रही थी। लेफ्ट हैंड साइड से कोई प्रॉपर विंगर नहीं था, फॉर्मेशन देखा आप लोगों ने, ग्रीजमैन और ब्रैथवेट बारी बारी से वहाँ खेल रहे थे, लेफ्ट साइड पर प्रॉपर विंगर था नहीं, राइट साइड पर जो विंगर था ट्रिनकाओ, वो अपने को पता अच्छा नहीं खेलता, एंड दैट्स अ फैक्ट यार, ही कांट प्ले फॉर बार्सिलोना, बस सीधी सी बात है, वो भी फर्स्ट टीम के लिए रेडी नहीं है ना। तो उसको 2-3 बार बॉल मिल रही थी, एक दो शॉट्स मारे उसने, बट वो बॉल को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, खासकर फर्स्ट हाफ में। वो एकदम मतलब वो होता है ना एक स्पार्क होता है, वो स्पार्क उसमें दिख नहीं रहा था और कभी दिखा भी नहीं आज तक, ठीक है। तो यही हो रहा था फर्स्ट हाफ में यार, कि दोनों विंगर्स थे नहीं, अब बीच में उनका इतना अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, प्लस उनके पास गोलकीपर इतना जोरदार, यार इस गोलकीपर को सल्यूट करना यार, क्या गोलकीपर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपिंग परफॉर्मेंसेस, सिर्फ 21 साल का है। और यार टर्स्टेगन भी इतना इतना इंप्रेस हो गया था इससे, इसको अपनी जर्सी, इसको अपना किट उसने गिफ्ट किया, यार एकदम रिस्पेक्ट है यार, सिर्फ 21 साल का और इतना अच्छा खेल रहा है। हाँ तो खैर आगे बढ़ते हैं कि हमको एक पेनल्टी भी मिली, बट वो पेनल्टी भी हमने मिस कर दी, तो चांसेस बहुत सारे मिस हुए, बहुत सारे चांसेस मिस हुए। आप यार लाइन से देखो, फर्स्ट हाफ में भी, सेकेंड हाफ में भी, मैं दोनों हाफ की बात कर रहा हूँ, चांसेस इतने ज़्यादा मिस हुए हैं कि आप गिन नहीं सकते। ये देखो मतलब एकदम ईजी ईजी, ब्रैथवेट अकेला खड़ा है वो नहीं मार पा रहा है, ग्रीजमैन को इतनी अच्छा मौका मिल रहा है, पियानिच ने इतना अच्छा पास दिया है, ग्रीजमैन नहीं मार पा रहा है। यार मतलब बेसिक बात यह है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी भी हमारी फिनिशिंग में। तो यार हम फर्स्ट हाफ की बात कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ में यही प्रॉब्लम हो रही थी। अब यार आपकी पासिंग लेन्स क्लोज्ड है और आपके विंगर्स आपको विड्थ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डिफेंस को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे खेलोगे, सीधी सी बात है आप खेल नहीं पाओगे, आप गोल नहीं स्कोर कर पाओगे। और फर्स्ट हाफ में कोई क्लियर चांस मिला भी नहीं, पेनल्टी थी उसने रोक ली बस वही था, और कोई क्लियर चांस फर्स्ट हाफ में मिला नहीं। अब सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ में कोमैन बोला नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो कोमैन ने एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट किया, रिकी पुच का गेम का स्टार्ट कर रहा था, बट वो स्पार्क नहीं था, वही चीज़ ना, स्पार्क नहीं दिख रहा था, वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहा था, वो बॉल लेके दौड़ रहा था इधर उधर, वो ट्राई कर रहा था जगह फाइंड करने का, बट बहुत बार उसने रॉन्ग पासेस भी दिए, इंटरसेप्ट बहुत बार हो गया मतलब, और बॉल रिकवरी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो कोमैन ने रिकी पुच को रिप्लेस कर दिया डेम्बेले की जगह, और जहाँ पर डेम्बेले आया पूरा गेम बदल दिया, पूरा गेम बदल दिया यार सेकंड हाफ में। यार तीन लोगों ने पूरा गेम पलटा है, तीन लोगों ने, डेम्बेले, पेड्री और बुस्केट्स, इन तीनों ने पूरा 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 गेम पलट दिया यार, मज़ा आ गया एकदम। तो यार हो क्या रहा, डेम्बेले एक स्मार्ट प्लेयर है प्लस एक प्रॉपर विंगर है वो, तो जैसे ही डेम्बेले आया ट्रिनकाओ लेफ्ट विंग पे शिफ्ट हो गया था, ग्रीजमैन नंबर 10 खेल रहा था, ब्रैथवेट अप टॉप खेल रहा था, और डेम्बेले राइट विंग पे खेल रहा था, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, इससे ये हो रहा था कि स्ट्रेच स्ट्रेच कर रहा था ओपोनेंट को डेम्बेले, इस वीक में देखो यार दो दो डिफेंडर्स को अपनी ओर स्ट्रेच कर लिया है वो, और बीच में इतना सारा गैप बन गया, इतना सारा एरिया बन गया, अब उस एरिया को ऑक्यूपाई कर सकते थे, नहीं किया वो अलग बात है, बट एटलीस्ट स्पेसेस बनना स्टार्ट हो गए थे सेकंड हाफ में, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा चीज़ मैं बोल रहा था, डेम्बेले यार बहुत स्मार्ट प्लेयर है, देखो जैसे यहाँ पे ग्रीजमैन विड्थ में चला जाता है, ग्रीजमैन वाइड हो जाता है, तो उस टाइम डेम्बेले बोलता है नहीं मैं भी वाइड नहीं रहूंगा, मैं बीच में घुस जाऊंगा, डेम्बेले बीच में घुस जाता है, क्रॉस आया नहीं आया वो बात नहीं है, उसकी उसका पोजिशनल प्ले देखो ना, उसकी स्मार्टनेस देखो उस मूव पे, ठीक है। तो ये हुआ, अब यही हो रहा था मतलब एकदम धीरे धीरे गैप्स बनना स्टार्ट हो गए थे, धीरे धीरे वो लोग थकना चालू हो गए थे, क्योंकि इतना अच्छा इंटरसेप्शन करना, इतनी अच्छी बॉल रिकवरी और इतना अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाए रखना पूरे गेम में इम्पॉसिबल है यार, बहुत कम टीम्स कर पाती है, और कॉर्नेला भी ये नहीं कर पाई, उन लोगों ने कोई अटैकिंग थ्रेट हमारे ऊपर बनाया नहीं, और जितना भी बनाया उसके लिए अराउहो काफ़ी था, पिछले 10 गेम में अराउहो को एक भी कोई प्लेयर बेवकूफ़ नहीं बना सका, कोई भी ड्रिबल नहीं कर पाया है उसके खिलाफ, कोई भी चकमा नहीं दे पाया उसको, क्या प्लेयर है यार अराउहो। एक पेनल्टी जीती उसने, है ना, एक पेनल्टी जीती उसने, और एक पेनल्टी लॉन्गले ने जीती, दोनों ने एक एक पेनल्टी जीती, दोनों वेस्ट हो गई, बट मैं अराउहो की बात कर रहा था यार, उसका उसके स्टैट्स देख लो यार तुम, पूरे पिच में हाईएस्ट रेटेड प्लेयर कौन है, देखो अराउहो, उसके स्टैट्स देखो, डुअल कितने जीता है वो, एरियल डुअल कितने जीता है उस, इंटरसेप्शन कितने किए हैं उसने,
देखो ना यार, उसका बॉडी बैलेंस कितना अच्छा है, गेम देखोगे पता चलेगा तुमको, एकदम फ्यूचर स्टार बनेगा यार वो, अगर इतना ही अच्छा खेलता रहा बनेगा वो। बस अब पीके के आने की बारी है यार, एक बार पीके आ गया ना तो पीके लॉन्गले को रिप्लेस करेगा, और लॉन्गले बाहर और पीके और अराउहो की जोड़ी क्या जोड़ी रही। हाँ खैर, अपन गेम के बारे में बात करते हैं, तो यार पेड्री और बुस्केट्स के आने से क्या फायदा हुआ? पेड्री अपने को पता है कितना डायरेक्ट प्ले में बिलीव करता है, अपने को पता है वो कितने उसका उसका विजन कितना अच्छा है, और वो कितने अच्छे से गैप्स निकालता है, ये बात अपने को पता है। ठीक है, तो पेड्री यही कर रहा था पिछले 2-3 गेम से, पेड्री चल नहीं रहा था, बस इस गेम में वो चला और उसने बहुत सारे गैप्स निकाले, और उसका जो कॉम्बिनेशन प्ले है डेम्बेले के साथ वो बहुत अच्छा जम गया था, बहुत ही अच्छा यार। ये फाइनल गोल की क्लिप देखो तुम, मतलब क्लिप नहीं इमेजेस देखो, क्लिप डालूंगा तो ब्लॉक कर देते हैं। हाँ तो ये इमेजेस देखो यार, यहाँ पे दोनों 4 लोगों से घिरे हुए हैं, डेम्बेले और पेड्री, बट दोनों कितने अच्छे से वहाँ आराम से बॉल निकाल लेते हैं, और पेड्री आगे जाके ब्रैटफोर्ड को पास करता है, ब्रैटफोर्ड गोल मारता है, ये सेकंड गोल हो गया। तो इंपॉर्टेंस में यही बोल रहा हूँ कि पेड्री बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने एक बहुत डायनेमिक दे दिया मैं कहूँ तो। और डायनेमिक से याद आया यार, इलाश मोरीबा बहुत बहुत अच्छा डेब्यू था उसके लिए, मतलब इतना एग्रेसिव प्लेयर यार वो, मेरे को कल पता चला, मैंने उसको पहले ज़्यादा गेम्स देखे नहीं, ज़्यादा कर मैंने तो एक भी गेम नहीं देखा था उसका, बस उसके हाईलाइट वगैरह देखे थे। वो बहुत पावरफुल प्लेयर है ये, या बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बन के खेल रहा था, जब उसको अच्छे से इंटरसेप्ट करना चाहिए कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, डिफेंसिवली भी हेल्प कर रहा था, मतलब बेसिक बात यह हर रीजन में हेल्प कर रहा था इलाश मोरीबा, तो अच्छा डेब्यू था। अब बुस्केट्स ने कैसे हेल्प किया यार? बुस्केट्स ने इसलिए हेल्प किया क्योंकि प्यानिच को भी फिर थोड़ी फ्रीडम मिल गई थी, तो प्यानिच भी बिटवीन द लाइंस बॉल निकाल पा रहा था, वो सब है। और बुस्केट्स जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है वो तो है ही, वो इतने अच्छे से वो प्रेस को रेजिस्ट करता है, इतना प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है ये, मैं बार बार बोल चुका हूँ, बात हम सबको पता ही है। तो ये 3 प्लेयर ने काफ़ी गेम चेंज कर दिया, बुस्केट्स, पेड्री और डेम्बेले ने। हाँ तो यार डेम्बेले पूरे इतना अटैकिंग थ्रेट बना हुआ था, 2-3 शॉट लिए उसने, क्रॉसेस भी देने का ट्राई कर रहा था, बट हर बार वो गोलकीपर रोक रहा था, मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था कि यार कितना रोकेगा, अब तो एक बॉल तो छोड़ दे, और मैंने बोला और उसने वहाँ पे बॉल छोड़ी, डेम्बेले ने आउट ऑफ द बॉक्स से मारा एक शॉट, ठीक है एक शॉट मारा, एकदम रॉकेट की स्पीड से शॉट मारा, तो भी उसने हाथ लगा ही लिया भाई साहब, ठीक है ना, तो भी उनके गोलकीपर ने हाथ लगा ही लिया, बट फिर भी जैसे जैसे बॉल चली गई गोल के अंदर 90 मिनट के बाद, मतलब 93rd 94th मिनट पे कुछ गोल पड़ा था, एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, बट उस टाइम के बाद तो भाई पूरा 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 गेम ही वो खत्म हो गया, पूरा गेम वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं पूरे गेम में, फिर बस वही हुआ, वो लोग अटैक करने का ट्राई कर रहे थे, उन लोगों में एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी उनके प्लेयर्स में, और वहीं पर डेम्बेले आ गया था, तो एनर्जी की कोई कमी तो थी नहीं अपने पास, पूरा फिर तो डोमिनेट कर ही दिए, लास्ट गोल के बारे में बता ही दिया हूँ मैं, तो ऑल इन ऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एंड दैट्स अ फैक्ट यार, वी हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, है ना, फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन आए, थोड़ा थोड़ा टेक्निकली चेंज हुआ, मैंने बताया क्या क्या मिला, विड्थ मिली और बहुत सारी चीज़ें मिली बिटवीन द लाइन्स, मतलब बहुत कुछ कुछ मिला, तो वही हुआ। तो अगर सेकेंड हाफ में जितनी कैपेबिलिटीज़ हम दिखाएं उतनी अगर आगे भी दिखाएं तो अच्छा रहेगा, अब रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड बाहर हो गए कोपा डेल रे के, पता है हमको, बट हमको नहीं होना है बाहर यार, हमको खेलते हैं ना, राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए, कितने 4 मैच बचे हैं, मतलब 4 राउंड बचे हैं, जो भी है जीतना है, ठीक है, तो चलो यार अब लालीगा पे फोकस करना है, लालीगा विल बी बैक वेरी वेरी सून, और करते हैं तब मैच प्रीव्यू, ठीक है, चल चलो बाय, विस्का एल्वारेस साहब।